तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ जो केन्या कबड्डी लीग है, इसका भाई जो आज के दिन का चौथा मैच और टूर्नामेंट का भाई जो मैच नंबर 109 खेला जाएगा, जो कि खेला जाएगा NYSKC वर्सेस ताक केसी के बीच में। अब इन दोनों ही टीम्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। बात करें अगर यहाँ पर भाई GL की, तो 20 लाख की GL इस मैच में अपने लिए लगी हुई है। और यहां पर अगर दोनों टीम्स की बात करें ना, तो भाई अब टूर्नामेंट है ना, लीग फेज के मतलब जो एंडिंग मैचेस हैं उनमें आ चुका है, ठीक है। ताक केसी की टीम स्ट्रॉन्ग टीम है एज कंपेयर टू भाई यहां पर NYSKC। तो आपको जो टीम बनानी है ना, वो यहां पर बनानी है ताक केसी के फेवर में। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए जो स्मॉल लीग की टीम है वो तो मैं आपको अभी बना के दिखाऊंगा, लेकिन जो 20 लाख रुपए की GL लगी हुई है ना, इसके लिए भाई आपको 6 ग्रैंड लीग की टीम, पूरी 6 ग्रैंड लीग की टीम आपको मिलेगी। किसके लिए? इस कॉन्टेस्ट के लिए। तो इस कॉन्टेस्ट के लिए 6 GL की टीम अगर आपको चाहिए ना भाई, तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो बहुत कुछ मिस कर रहे हो मेरे भाई। अभी के अभी जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी भाई हमारी फाइनल टीम होगी ना दोस्त, वो आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। स्मॉल लीग की फाइनल टीम भी आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगी। यहां पर अगर बात करें जो पहला मैच आज का खत्म हुआ है ना, वन साइडेड विनिंग वहां पर हमारी हुई है। यहां पर आप देख सकते हो मिनी GL में जो मतलब प्राइवेट कॉन्टेस्ट है उसमें आप देख सकते हो 105 कॉन्टेस्ट में भी हमारी रैंक 1 आई है। और ये किससे आई है भाई? ये आई है हमारी स्मॉल लीग की टीम से। यहाँ पर आप देख सकते हो स्मॉल लीग की टीम से जो मिनी GL है 4200 कॉन्टेस्ट की, उसमें भाई 39 रैंक हमारी आई है। किससे आई है भाई? ये आई है भाई हमारी स्मॉल लीग की टीम से। तो आप देख सकते हो कितनी खतरनाक तरीके से विनिंग हमारी चल रही है। अब अगर यहाँ पर भाई बात करें टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कैसे करना है, देखिए भाई ऐसे आपको 6 GL की टीम हर मैच की मिलेंगी। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, वीडियो के फर्स्ट कमेंट में भी लिंक दिया गया है। दोनों जगह में से कहीं से भी जाकर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर मान लो बाई चांस लिंक वर्क ना करे तो आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हो @KPM टीम। जैसे ही आप ये लिखोगे ना भाई, आपको जो टॉप पर चैनल दिखेगा ना, ये आपके भाई का चैनल है और यही चैनल आपको ज्वाइन करना है। बाकी जो नीचे चैनल दिख रहे हैं ना, बिल्कुल फेक चैनल है, इनके ऊपर आपको नहीं जाना है। और इसीलिए बोल रहा हूँ लिंक से ज्वाइन करोगे ना तो वो भाई सबसे बेस्ट है, क्योंकि उस कंडीशन में आपको सिर्फ हमारा चैनल दिखेगा। अभी क्या है कि और जो फिजूले चैनल है वो भी भाई आपको सर्च करने पर दिखाई दे जाएंगे, जो हमारे नाम पर आपके साथ फ्रॉड करने के लिए बनाए जाते हैं। मतलब ऑब्वियस ही बात बनाए जाते हैं, हम खूब रिपोर्ट करते हैं, पुराने डिलीट करती है, मतलब करती है टेलीग्राम की टीम, लेकिन उसके बाद भाई तुरंत और बन जाते हैं। तो भाई क्या ही कर सकते, ये प्रोसेस ऐसे ही चलता है। अब यहां पर जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, टेलीग्राम की बात हो गई, अब बात करेंगे भाई पॉइंट्स टेबल की। तो चलिए भाई पॉइंट्स टेबल में देख लेते हैं कौन सी टीम की क्या पोजिशन है, वहां से आपको पता लगेगा कि टीम किसके फेवर में बनानी है। जैसा कि मैंने आपको बताया ताक केसी की टीम स्ट्रॉन्ग है, तो टीम इन्हीं के फेवर में बनानी है, तो कितनी स्ट्रॉन्ग है टीम वो भी देखना जरूरी है। तो चलिए भाई आपको पॉइंट्स टेबल की तरफ लेकर चलते हैं। तो यहां पर पॉइंट्स टेबल में अगर आप देखोगे तो ताक केसी की टीम आपको नंबर 3 की पोजीशन पर दिखेगी। 18 मैच खेले, 13 मैच जीते, 5 मैच आ रहे हैं, लेकिन जो स्कोर डिफरेंस है ना वो भाई +154 का है भाई, +154 का स्कोर डिफरेंस, यानी कि बहुत ही शानदार स्कोर डिफरेंस लेकर ये चल रहे हैं। वहीं अगर बात करें पॉइंट्स टेबल की तो नंबर 3 की पोजिशन पर बरकरार है और भाई काफ़ी अच्छे तरीके से अपनी लीड को बनाए हुए हैं। अब यहाँ पर जो इनके ओपोजिशन में टीम आ रही है वो NYSKC, जो नंबर 10 पर आपको दिखेगी। 17 मैच खेले, 3 मैच जीते, 13 मैच आ रहे, -90 का स्कोर डिफरेंस है भाई। तो आप स्कोर डिफरेंस देख सकते हो कितना बड़ा है दोनों के बीच में, और यहीं से आपको पता लगता है कि कौन सी टीम कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो वन साइडेड फेवरेट टीम लग रही है ताक केसी की टीम, लेकिन भाई कबड्डी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक दिन किसी दो प्लेयर का खराब रहा तो भाई ताक केसी की टीम हार भी सकती है, और या फिर सामने वाली टीम में एक दो प्लेयर के दिन अच्छा हुआ तो भाई उस कंडीशन में भी ये हरा सकती है ताक केसी को। तो एक मतलब थोड़ा सा फेवर आप जरूर कीजिएगा ताक केसी को, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब 100% वही जीतेगी। अब चलिए भाई बात करते हैं दोनों टीम्स की स्टार्टिंग 7 की, आपको टीम बना के दिखाते हैं, उसके बाद भाई हम चलेंगे सीधा स्टार्टिंग 7 की बात करेंगे, उसके बाद भाई हम सीधा चलेंगे हमारी टीम्स की तरफ, जो स्मॉल लीग की टीम आपको मैं बना के दिखाने वाला हूँ। तो चलिए भाई स्टार्टिंग 7 एक बार देख लेते हैं। तो
चलिए भाई बात कर लेते हैं सबसे पहले NYSKC की स्टार्टिंग 7 की। यहाँ से अगर आप देखोगे तो भाई डिफेंस सेक्शन में आपको प्लेयर दिखेंगे 3 खेलते हुए, जो कि ए ओगवांग रहेंगे, जी कागुनगे और ई सिमुयू। ये 3 प्लेयर आपको खेलते दिखेंगे। ए ओगवांग लगातार अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, वहीं अगर बात करें जी कागुनगे और ई सिमुयू की, ये बीच बीच में अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। जैसे भाई यहाँ पर अगर बात करें जी कागुनगे की, तो भाई जी कागुनगे इन्होंने बीच में लगातार 2-3-4 मैचेज में अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, उसके बाद एवरेज चल रहे हैं। ई सिमुयू की बात करें तो ये भी भाई बीच बीच में अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो आपके लिए जो यहाँ से मस्ट पिक रहेगा ना जो स्मॉल लीग में, वो रहेगा ए ओगवांग, बाकी जीएल में आप जी कागुन्या या फिर भाई ई सिमुयू, इनमें से भी किसी को ट्राई कर सकते हो। ऑलराउंडर सेक्शन पर आ जाइए, यहाँ पर अगर बात करें तो ओ कोफी, लास्ट के मैच मैंने क्या बोला था भाई, ये चलेगा ही चलेगा बंदा, वीसी भी कर सकते हो जीएल में और मिनी जीएल में, और इवन स्मॉल लीग में मैंने वीसी करके दिया था आपको। यहाँ पर अगर बात करें तो आप देख सकते हो 24 पॉइंट इन्होंने हमें दिए टच से, यानी कि 3 टच पॉइंट निकाले, हाई फाइव लगाया डिफेंस में। इसके अलावा यहाँ से जे इरुंगू की बात करें, ये भाई लगातार ही चल रहे, लास्ट के अगर 7-8 मैच उठा के देखोगे ना, तो भाई इनसे बड़ा परफॉर्मर इनकी टीम में कोई नहीं है। यहाँ पर आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, ये कंटिन्यू आपको दिखाता हूँ कितने मैच, 6, 7, 8 मैच कंटिन्यू है, और उससे पहले भी यहाँ पर आप देखोगे तो परफॉर्मेंस इनकी बीच बीच में आई हुई है। तो आपके लिए अगेन एक इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। बी ओचेंग की बात करें, जीएल मिनी जीएल में रोटेशन के तौर पर ट्राई कर सकते हो, जरूर से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से आप इन दोनों को भी ट्राई कर सकते हो, दोनों में से एक को तो आपको रखना ही चाहिए, और वो है भाई जे इरुंगू। लेकिन सामने वाली टीम में भी भाई बहुत अच्छे अच्छे ऑलराउंडर, तो उस कंडीशन में भाई यहाँ से आप किन को ले पाओगे, नहीं ले पाओगे, ये बहुत देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। अब चलिए पहले बात करते हैं यहाँ पर भाई जो रेडिंग सेक्शन है, यहाँ से अगर बात करें तो आई मुगम्बा लास्ट मैच खेले नहीं है, लेकिन डिसेंट प्लेयर है, डिसेंट परफॉर्मर है, यहाँ पर आपके लिए एक ठीक ठाक पिक हो सकता है। स्टार्टिंग के मैचेज में काफ़ी अच्छा किया था, एक इंपॉर्टेंट पिक रहेगा। बी नया कुंडी की बात करें तो इन्हें भी आप अपनी स्मॉल लीग की टीम में ना रखो, बट जीएल की टीम में जरूर रखिएगा, क्योंकि भाई प्लेयर अच्छा है, कभी भी अपने दिन पर अच्छे खासे मतलब पॉइंट आपको दे सकता है, और जीएल में एज ए डिफरेंशियल पिक काम आ सकता है। एम मनेटू की बात करें तो ये भी आपके लिए जीएल मिनी जीएल में ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, स्मॉल लीग में इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। सेम भाई एल वचीरा के बारे में बोलूंगा, एस सूरी के बारे में बोलूंगा, स्मॉल लीग में आपके लिए यहां से अगर खेलता है ना तो आई मुगाम भी इंपॉर्टेंट रहेगा। यहां से बात करें जे इरुंगू ओ कोफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, यहां से ए ओगवांग ई सिमुयू में से कोई एक इंपॉर्टेंट रहेगा, ज्यादा मतलब अच्छा रहेगा ए ओगवांग, बाकी अगर आप क्रेडिट मैनेज करना चाहो तो ई सिमुयू भी एक अच्छी पिक रहेंगे। ऑलराउंडर सेक्शन में भाई आज प्लेयर्स इन दोनों को लेने में काफी ज्यादा दिक्कतें आने वाली है, क्यों वो आपको अभी बताता हूं। यहां से अगर बात करें ताक केसी की, तो जो इनके ऑलराउंडर है ना दोनों, ये भाई बहुत खतरनाक ऑलराउंडर है। एस किबुगा लगातार अच्छी परफॉर्मेंस करने के लिए जाने जाते हैं, बहुत ही शानदार प्लेयर, 100% आपकी टीम में होने चाहिए, जिस भी मैच में आते हैं अकेले दम पे छा जाते हैं, चाहे बात हो फिर यहां पर रेडिंग की, चाहे बात हो डिफेंस की, 25 पॉइंट रेडिंग में निकाले, वहीं 5 पॉइंट इन्होंने टैकल में भी निकाल दिए, बहुत ही शानदार प्लेयर है। आर मुबुरू की बात करें, ये भी भाई उनके बिल्कुल बराबर में चलते हैं, और यहां पर आप देखोगे तो लास्ट मैच में भी इन्होंने भी 7 टैकल किए हुए हैं, तो बहुत ही शानदार प्लेयर है, इन्हें भी आप अपनी टीम में रख सकते हो। बात करें अगर यहां पर भाई डिफेंस की, तो डिफेंस में आपको दिखेंगे डी की ओगरा लगातार अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, यहां पर आप देख सकते हो वन साइडेड, मतलब ये नहीं कि हर मैच में कोई ऐसी तूफानी परफॉर्मेंस है, लेकिन जो डिसेंट परफॉर्मेंस होती है ना 100 पॉइंट के आसपास के, 100 प्लस पॉइंट की, वो हर मैच में ऑलमोस्ट अचीव करवा रहे हैं, तो आपके लिए एक अच्छी पिक रहेंगे। जे मुनायो की बात करें, अगर भाई आपको 5-2 का कॉम्बिनेशन बनाना है इन फेवर ऑफ ताक केसी, और फिर अगर आपको क्रेडिट इशू आ रहा है, तो उस कंडीशन में जे मुनायो को ले सकते हो, अदरवाइज लेने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। बात करें रेडिंग सेक्शन की, तो यहाँ से 2 प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे जो मस्ट पिक रहेंगे, ई ओचेंग और डी कागुनगे। डी कागुनगे की बात करें तो लास्ट मैच काफ़ी 2-3-4 मैच के बाद खेला, और खेला क्या भाई, सामने वाली टीम को जम के पहला, यहां पर आप देख सकते हो 4 टच पॉइंट, 1 बोनस, 3 टैकल किए, लगातार अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा था, इससे पहले भी जब भी खेला था यहां पर आप देख सकते हो लगातार अच्छी परफॉर्मेंस थी। वहीं अगर बात करें ई ओचेंग की, ये लास्ट के कुछ मैचेस से, जब से भाई यहां पर डी के अग्रे ने मतलब वो बाहर बैठे थे, तब से परफॉर्मेंस इनके तरफ से आने लगी, यहाँ पर आप देख सकते हो, हालांकि इनकी परफॉर्मेंस स्टार्टिंग से ही रही है और आपके लिए एक मस्ट ऑफ पिक में रहेंगे, बहुत ही शानदार प्लेयर है। नीचे अगर बात करें एल मवांगी की, तो आप चाहो तो इन्हें भी ट्राई कर सकते हो, बट भाई सभी को हम ट्राई नहीं कर पाएंगे, वो क्यों और कैसे आपको मैं बता चुका हूँ, क्योंकि यहाँ से भी ऑलराउंडर सेक्शन में भी आपको छोटे मोटे रिस्क लेने की जरूरत पड़ेगी, जो आपको कैसे लेने वो आपको अभी मैं टीम बना के बता देता हूँ। तो चलिए स्मॉल लीग की टीम बना के दिखा देता हूँ, बाकी जो फाइनल टीम होगी वो हम टेलीग्राम पर डिस्कशन कर लेंगे।
तो टीम आप यहाँ से देख सकते हो भाई, अभी के लिए मैंने 5-2 का कॉम्बिनेशन बनाया, दोनों ऑलराउंडर मैंने यहाँ से ताक केसी टीम के लिए। टीम में अगर कुछ भी चेंजमेंट होता है, कोई प्लेयर नहीं खेलता है, कोई भी और अपडेट होती है, तो वो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, प्लस 6 ग्रैंड लीग की टीम आपको मिलेंगी। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। मैं मिलता हूँ आपसे मैच टाइम पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।